यदि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस, हमवात या किसी भी प्रकार की इंफ्लामेटरी आर्थराइटिस है, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर ने कहा होगा कि इसका आपके डाइट से कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी खाओ, एंजॉय करो, मेरी दवाइयाँ खाते रहो। परंतु ये चीज पूरी तरह से गलत है। आपके डाइट का आपकी बीमारी से लेना देना है। डाइट अपने आप में ही प्रो इन्फ्लामेटरी है, एंटी इन्फ्लामेटरी है। यदि आप प्रो इन्फ्लामेटरी डाइट लेंगे तो आपके सूजन को बढ़ाएगी और ऐसे में आपके दवाइयों के डोजेज और बढ़ जाएंगे, क्योंकि बीमारी भी आपके इन्फ्लामेशन को बढ़ाने वाली है। वहीं अगर आप एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट लेते हैं तो बीमारी जहां इन्फ्लामेशन को बढ़ाएगी, ये दोनों काउंटर होके नलीफाई होते हैं, आपके दवाइयों के डोजेस घटते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजीव अग्रवाल, और जैसा आप जानते हैं कि हर फ्राइडे को हम आर्थराइटिस रिलेटेड वीडियोस लेकर के आते हैं, तो अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिले। और यदि आपको भी किसी प्रकार की इंफ्लामेटरी आर्थराइटिस है, तो अब इसके अंदर नियर रेमिजन को अचीव किया जा सकता है, जिसके 5 प्रोटोकॉल अक्सर मैं आपको बताता हूं, जिसमें डाइटरी प्रोटोकॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसी ही 5 डाइट की चर्चा आज हम करने वाले हैं। और यदि आपको इस प्रकार की कोई आर्थराइटिस है, तो सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करके हमारे इंफ्लामेटरी आर्थराइटिस रेमिजन प्रोटोकॉल का हिस्सा बने। रेमिजन का दरअसल मतलब होता है कि आपके शरीर में दर्द, सूजन, स्टिफनेस घटेगा, वो भी डाइटरी प्रोटोकॉल से या फिर एक्सरसाइजेस से। आपकी दवाइयाँ नियरली बंद होंगी, आप नियर नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे। इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस रेमिजन डाइटरी प्रोटोकॉल के अंदर हमने पूरे फूड्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है ग्रीन कैटेगरी, जिसमें सभी वो फूड आते हैं जो एंटी इन्फ्लामेटरी नेचर में है, जिन्हें सेफली इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस का पेशेंट ले सकता है। दूसरी कैटेगरी येलो है, जो आपके इंडिविजुअल बॉडी टाइप के ऊपर डिपेंड करती है कि वो आप ले सकते हैं या आपको नहीं लेना है। और तीसरी कैटेगरी है रेड कैटेगरी, इसमें आने वाली सभी चीजें आपको लाइफ टाइम अवॉइड करनी है, क्योंकि ये बॉडी में इंफ्लामेशन को बढ़ाते हैं। और इसके अंदर जो हम 5 फूड जो आपके शरीर में इंफ्लामेशन को बढ़ाने वाले हैं, जिनका हम आज जिक्र करने वाले हैं, उसमें सबसे पहला ऑयल्स में जो सबसे अधिक आपके शरीर में इन्फ्लामेशन को बढ़ा सकते हैं, वो है सोयाबीन का तेल, या फिर राइस ब्रान ऑयल, सेसमे सीड ऑयल, या फिर मूंगफली का तेल। इन तेलों के अंदर ओमेगा 6 की उपलब्धि, ओमेगा 6 का परसेंटेज काफी अधिक होता है। दरअसल हमारे लिए ओमेगा 3 अधिक मात्रा में ज्यादा जरूरी है, वो इन्फ्लामेशन को कम करता है। और तीनों ही प्रकार के फैटी एसिड्स जो हैं हमारे शरीर के लिए बेसिकली जरूरी हैं, जिसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 आते हैं। पर इनका आपस में बैलेंस प्रॉपर होना चाहिए। अगर ओमेगा 6 की मात्रा शरीर में ज्यादा पहुंचेगी तो इन्फ्लामेशन बढ़ेगा, और इन तेलों के अंदर ओमेगा 6 की मात्रा ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ओमेगा 3। इसलिए इन तेलों को अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। और जो तेल हमारे शरीर के लिए हेल्दी हैं, उनके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा और इसके बारे में चर्चा हम किसी और वीडियो के अंदर करेंगे। पर जो तेल अभी मैंने आपको बताए, इनको आप अवॉइड करें। इनमें ओमेगा 6 की मात्रा अधिक है, जो शरीर में इंफ्लामेशन को बढ़ाते हैं। इन्हें अवॉइड किया जाना आपके लिए फायदा। अब जो दूसरा फूड आइटम है, गेहूं की रोटी। जी हाँ, आप सुनकर के चौंक गए होंगे, पर चौंकिए मत। गेहूं के अंदर पाया जाने वाला ग्लूटेन आपके इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर सकता है और रूमेटॉइड के अंदर नुकसान पहुंचा सकता है। और मैंने मेरे कई पेशेंट्स को इंफ्लामेटरी आर्थराइटिस रेमिजन डाइट के दौरान देखा है, जब उन्हें ग्लूटेन छोड़ने के लिए कहा जाता है, दूसरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ चपाती यूज करना शुरू करते हैं, तो 50-60% उनका पेन कम हो जाता है। दरअसल हर इंसान को ग्लूटिन छोड़ने की जरूरत नहीं है। ग्लूटिन कुछ लोगों के लिए एलर्जिक होता है, पर जिन लोगों को ऑटो इम्यून टाइप की आर्थराइटिस है, उनमें इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर सकता है। तो इसलिए मुश्किल से 4 से 5% लोग हमारे कम्युनिटी में ऐसे हैं
जो ग्लूटिन के लिए एलर्जिक हो सकते हैं या जिनको ऑटो इम्यून बीमारियां हैं, वो लोग इसको अवॉइड करें। अदरवाइज बाकी लोगों को अवॉइड करने की जरूरत नहीं है। परंतु देखा यह गया है कि ग्लूटिन फ्री फूड के चक्कर में लगभग 20% लोग ग्लूटिन फ्री प्रोडक्ट्स पर फोकस करते हैं जो अननेसेसरी और अनवांटेड है। ऐसा करने की आपको जरूरत नहीं। दरअसल हमारे फूड में कई सारे इस प्रकार के पदार्थ हैं जो इंफ्लामेटरी आर्थराइटिस में नुकसान करते हैं, जैसे ग्लूटिन, सेपोनिन, लेप्टिन, अरेक्डोनिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड, ट्रांस फैटी एसिड। ये इस प्रकार के केमिकल्स हैं जो हमारे को फूड में अवॉइड करने चाहिए। जिन फूड्स में ये चीजें ज्यादा मात्रा में हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए, जिससे हमारा भोजन इन्फ्लामेशन से दूर रह सके, जिससे हमारा भोजन एंटी इन्फ्लामेटरी हो सके और ऑटो इम्यून डिजीजेस के अंदर हमें ना बढ़े। अब तीसरा फूड आइटम है मिठाइयाँ। ये सुनकर के आप और चौंक गए होंगे और आप सोच रहे होंगे कि हम जीना ही छोड़ दें, खाना पीना एकदम बंद कर दें। परंतु आपको ये करना जरूरी है। दरअसल इनमें जो रिफाइंड शुगर डलती है या जो रिच इन कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये आपके शरीर में जाते हैं और फिर ये कार्बोहाइड्रेट जब मेटाबोलाइज होता है तो फ्री रेडिकल्स आपके बॉडी में बढ़ते हैं। ये फ्री रेडिकल्स इन्फ्लामेशन करते हैं, तो उतनी ही अधिक मात्रा में आपको इन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स लगेंगे। इतनी बड़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स लेना कई बार संभव नहीं होता, तो ये इन्फ्लामेशन को बढ़ा देते हैं, तो इन्हें अवॉइड करें। खास तौर से रिफाइंड या प्रोसेस्ड जो शुगर है या कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है, इसमें इवन राइस भी आता है जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में है, या फिर साबूदाना, इसमें भी काफी अधिक मात्रा में है, कॉर्न, भुट्टे की बनी हुई चीजें, अनाज जिनके अंदर स्टार्च अधिक है, इन्हें कायदे से हमें अवॉइड करना चाहिए। और यदि आपको कुछ मीठा खाना ही है तो आप इसके अंदर नेचुरल स्वीटनर वाली चीजें जैसे स्टीविया या मॉन्ग फ्रूट को एज ए स्वीटनर यूज करके घर पे ही मिठाइयाँ बना सकते हैं, उनका आनंद ले सकते हैं। पर एज ए होल कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट को लेना अवॉइड करें, जिससे आपके बॉडी में फ्री रेडिकल्स ना बढ़े और इन्फ्लामेशन को बढ़ने से रोक। अब चौथा है ब्रेड, क्योंकि ब्रेड बनती है मैदा से या फिर ब्रेड बनती है आटे से, तो इसके अंदर भी लगभग 50-60% कार्ब होता है, इसलिए ये आपको नुकसान कर सकती है, फ्री रेडिकल्स की मात्रा को बढ़ाएगी। और फिर इसके अंदर डलता है आटा, तो फिर वापस वही आ गया ग्लूटिन, ग्लूटिन इन्फ्लामेशन को बढ़ाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको ब्रेड का सेवन करने से बचना चाहिए, ये भी आपके शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को बढ़ाएगा और कार्बोहाइड्रेट अगर ज्यादा मात्रा में जाएगा, फ्री रेडिकल्स ज्यादा बनेंगे, इन्फ्लामेशन ज्यादा होगा। दरअसल हम इंडियंस की डाइट में वेजिटेरियंस होने के कारण कार्बोहाइड्रेट बड़ी मात्रा में है। एक आम हिंदुस्तानी 200 से 400 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट पर डे खाता है, जो इन्फ्लामेशन को बढ़ाएगा। ऐसे में अगर आप 150 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट अपनी फूड के अंदर लिमिट करते हैं और वो भी हेल्दी कार्ब लेते हैं जो नॉन स्टार्ची या लेस स्टार्ची वेजिटेबल्स के अंदर आते हैं वो अच्छे हैं, या कुछ फ्रूट्स लेते हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम है, तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। तो ऐसी स्थिति में कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन लिमिट करें 100 से 150 ग्राम के बीच में, और जो कार्ब रिच चीजें हैं या ग्लूटिन वाली जो चीजें हैं उनके सेवन को अवॉइड करें। अब जो रेड लिस्ट के अंदर पांचवी चीज है वो है एल्कोहल। कई बार आप सोचते हैं कि एल्कोहल तो हमको डी स्ट्रेस कर रहा है, पर वो डी स्ट्रेस नहीं कर रहा, आपके हेल्थ पर ओवरऑल नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है। और यदि आप वीक में 2 या 3 बार भी अल्कोहल लेते हैं तो वो भी आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं, और खास तौर से इंफ्लामेटरी आर्थराइटिस के केसेस में। तो ये थोड़ी देर के लिए मजा हो सकता है, अदरवाइज एक सजा के रूप में आपके सामने आएगा। तो अल्कोहल के कंजम्पशन को अवॉइड करें या बहुत ही अधिक लिमिट करें रेयर कंडीशन में। उसमें भी अगर आप चाहें तो वाइन का सेवन थोड़ा बहुत मात्रा में कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज बेटर टू अवॉइड अल्कोहल एंड इट्स प्रोडक्ट्स। तो ये हमने सारी चीजें देखी जो रेड लिस्ट के अंदर थी, और यदि आपको भी किसी प्रकार का इंफ्लामेटरी आर्थराइटिस है तो इंफ्लामेटरी आर्थराइटिस एंड रेमिशन डाइटरी प्रोटोकॉल को ज्वाइन करना ना भूलें,
सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें और इसका हिस्सा बने। थैंक यू वेरी मच।